मोदी जी, हम लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हम लोग साउथ में थे, बिहार गए और भी महाराष्ट्र में भी थे, तो हर जगह ये देखा गया है कि चाहे विपक्ष से बात करें, चाहे आपके उम्मीदवारों से बात करें, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी यहाँ आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, मोदी जी आएंगे तो हो सकता है स्वीप हो जाए, हो सकता है सीट निकल जाए। तो क्या 2024 के इस चुनाव को हम नरेंद्र मोदी पर एक रेफरेंडम की तरह देख सकते हैं, जन जनमत संग्रह की तरह देख सकते हैं? अब ये तो सारा खेल मीडिया के लोगों का होता है किस समय किस प्रकार से एनालिसिस करना, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं कोई चुनाव के समय काम करने वाली सरकार नहीं चलाता हूँ। आप मेरा 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज फ्राइडे सैटरडे संडे मैं हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में गया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है। और चुनाव में मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का उत्सव ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, जाकर के एक प्रकार से प्रशिक्षण का काम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते चुनाव या न हो, मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ और इसलिए मैं जाता हूँ।